लोग रोते बिलखते रहे और टूटते रहे दुकान और मकान। आपको बता दें कि खड्डी में प्रशासन द्वारा सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों व दुकानों को लगातार ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं आज भी नौगवां ठग्गू में तालाब पर अतिक्रमण किए दुकान व मकान पर बुलडोजर चला। बताते चले कि प्रशासन व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जहां पीड़ित परिवार रोते बिलखते रहे लेकिन बुलडोजर मकान दुकानों को तोड़ता रहा। पक्के मकान और दुकानों को तोड़ते देख खडीमा के नौगवां ठग्गू गांव में देखने वालों की भीड़ लग गई। वहां प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोक झोंक भी हुई। वहीं प्रशासन द्वारा नौगवां ठग्गू तालाब के किनारे करीब 5 मकान तोड़े गए। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से पीड़ित परिवार रोने बिलखने लगे और अपने घर का सामान लेकर इधर उधर भागने लगे। वहीं ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं खडीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। कुछ दिन पूर्व मझोला गांव में भी कुछ मकान ध्वस्त किए गए और आज भी नौगवां ठग्गू में भी सरकारी तालाब पर बसे 5 मकान ध्वस्त किए गए। साथ ही बताया कि तालाबों के ऊपर अगर सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो उनको ध्वस्त किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि नौगवां ठग्गू में तालाब पर बसे सरकारी स्कूल पर भी बुलडोजर चलेगा या सिर्फ गरीबों के आशियानों को तोड़कर ही बुलडोजर थक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्रम में पूरी तालाबों या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है इसमें अतिक्रमण हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। इसी के क्रम में पहले हमने मझोला में कार्रवाई की थी, आज नौगवां ठग्गू में 5 मकान जैसे 4 पक्के हैं और एक कच्चा है उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। मझोला की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूट हैं, तो एक बात एक हम उनको तो ये 5 है कुछ टेम्प्रेरी झाले थे वो पहले ही हटा दिए गए। सर जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो जो भी तालाब में बने हैं वो हटेंगे। तो ये बीओ को नोटिस जा चुका है और डीपीआर को पंचायत घर के लिए उनको नोटिस चल रहा है।